हे वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आज लेके आया हूं। आज के वीडियो, अगर आप बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, कॉर्पोरेट लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप, आपके लिए ये वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि मैं बड़ा अच्छा, ये मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मुझसे लीडरशिप फनल में आकर के पूछते हैं, क्या पूछते हैं आप मुझसे आकर के, आप मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाऊं, कैसा प्रोडक्ट बनाऊं, कितने का बेचूं, क्या प्राइस रखूं, किस मार्केट में बेचूं, किस तरीके से बेचूं, किसको बेचूं, कितना प्रॉफिट। मत करिए ये सब बात मुझसे, क्योंकि आज मैं आपको गेम चेंजर देने वाला हूं। सारे प्रश्नों का उत्तर इस एक वीडियो में एंड तक देखिएगा, दो पार्ट में बनाऊंगा। इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। क्या बोलते हैं? कमऑन, कंज्यूमर बिहेवियर। प्रोडक्ट पहले मत डिसाइड करो, प्राइस पहले मत डिसाइड करो, प्रॉफिट पहले मत डिसाइड करो, पोजीशनिंग पहले मत डिसाइड करो, कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करो। क्या डिसाइड करो? देखो देखो कंज्यूमर चाहता क्या है। इसका क्या मतलब है? आज 9 केस स्टडीज दूंगा, एक के बाद एक, पूरे केस स्टडीज देखिएगा। शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन के पल्स पोलियो कैंपेन से। ये सुपर हिट एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल आपका इतना आप पूरे नए तरीके से समझ में आएगा आपको सब कुछ। ध्यान दीजिए, WHO 5 साल तक अमिताभ बच्चन के साथ लगे रहे। ओगिल्वी उनकी एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी थी, और अमिताभ बच्चन WHO के साथ लगे हुए 5 साल लगा दिए, लेकिन पोलियो की कोई बूंद पीने आता ही नहीं था। अटली सारे कैंपेन फेल होते चले गए, मतलब जो सक्सेस चाहिए कम से कम वो नहीं मिलना, मतलब फेल हो गए। अमिताभ बच्चन बोलते रह गए, आइए दो बूंद जिंदगी की पिलाइए, अपने बच्चों आइए पिलाइए, पूरे बूथ कैंपेन खाली। तो इनकी टीम ने, अच्छा WHO ने अपना विश्वास नहीं खत्म किया अमिताभ बच्चन से। WHO ने कहा नहीं, दोबारा ट्राई करो, देखो क्या गलती हो रही है। तो फिर गलती क्या थी? कंज्यूमर के बिहेवियर को जाकर के ढूंढना, उसका साइकोग्राफिक, उसका डेमोग्राफिक, उसका एथनोग्राफिक, उसका जियोग्राफिक। तो ये लोग Tier 3 सिटी और स्मॉल टाउन्स में, तालुका, तहसील, छोटे छोटे शहर, गांव-गांव तक पहुंचे, जाके देखना शुरू किया, कंज्यूमर के प्रोफाइल को समझा कि ये कंज्यूमर आता क्यों नहीं है। अब देखिए, कंज्यूमर में डिसीजन मेकिंग के अंदर बाइंग रोल्स होते हैं। बाइंग रोल मतलब खरीदने के अलग अलग रोल्स होते हैं, एक ही आदमी नहीं खरीदता हमेशा, उसके पीछे 5 फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या, एक होता है इनिशिएटर, जो शुरुआत करता है, अरे भाई लेना चाहिए, जिसके बारे में बात करता है। उसके बाद होता है इन्फ्लुएंसर, जो कहता है आप बिल्कुल ठीक है, जरूर लेना चाहिए। फिर एक होता है डिसाइडर, तैयार हो गया, तय हो गया, डिसाइड कर लिया, वो उसके पास सारी पावर है। और उसके बाद होता है बायर, जो जाके फाइनली दुकान पर खरीदता है। और एक होता है कंज्यूमर, जो उसको यूज करता है। अब अमिताभ बच्चन पल्स पोलियो कैंपेन के अंदर जो 2 साल का बच्चा था, वो तो था कंज्यूमर बेचारा, वो बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं है, वो थोड़ी डिसाइड करेगा। लेकिन जो उसकी गांव के अंदर 2 साल का बच्चा जिसको पोलियो पिलाना है, उसकी माँ की उम्र थी 20 साल 22 साल। वो 22 साल की माँ, जिसके सास और ससुर 50 और 55 साल के हुआ करते थे, और 50-55 साल के सास ससुर वो कहते थे भाई मेरे बच्चों को पोलियो थोड़ी हुआ है, इसको क्यों पोलियो पिला, इसको बूंद पिलाने की जरूरत नहीं है, पोलियो होएगा तो बूंद पिलाएंगे, अभी क्यों पिलाएं। तो वो भेजते नहीं थे उसको, यानी कि वो इन्फ्लुएंसर और डिसाइडर थे। और या इन्फ्लुएंसर और डिसाइडर के ऊपर काम ही नहीं किया अमिताभ बच्चन की टीम ने। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन आके प्रार्थना करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। अब ध्यान दीजिए, वो 50 साल के सास और ससुर जो घर में बैठे थे पीछे, वो सास जो घर में बैठी थी, वो 1970s में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन देखती थी। अब ये अमिताभ बच्चन जो एंग्री यंग मैन थे, आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, वो बड़ी, आपने देखी हुई है ना, ये कई मूवीज देखी हैं, वो पोजीशनिंग बड़ी सॉलिड उनके दिमाग में छपी थी। इधर अमिताभ बच्चन आके रिक्वेस्ट करता था, उनको रजिस्टर ही नहीं होता था। अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ता था उनको, अमिताभ बच्चन को उन्होंने एंग्री यंग मैन देखा, वो रजिस्टर ही नहीं होता था। अमिताभ बच्चन हाथ जोड़े, उनको रजिस्टर ही ना हो, क्योंकि उनके हिसाब से तो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन था। इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को जाके उसको साइकोग्राफिक, उसको डेमोग्राफिक को समझा, इन्होंने एड कैंपेन चेंज करा दिया। बोला अमिताभ बच्चन साहब सब कुछ चेंज कर दो, वापस उसी रोल में आ जाओ। बच्चन साहब गुस्से में आ गए, कब से कह रहे हैं तुम्हारे को, वो उतना गुस्से में उनके टोन में तो बोल नहीं सकता, आपने पीछे ऐड देखी होंगी। बस यही एक दिन देखना बाकी रह गया था, जब सब बहाने खत्म हो गए तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक ना देने का एक नया बहाना खोद निकाला। जा, अरे भेजा है या भेजवा दूं? वो उन्होंने इतना गुस्से में आकर के बोला, एकदम इनको रजिस्टर हो गया। क्यों? इन्फ्लुएंसर डिसाइडर थे यहाँ पे ये। और अमिताभ, और उसके बाद क्या हुआ जी, पूरे पोलियो बूथ भर गए, सब आ गए। उनसे पूछा अभी कैसे आ गए, हाँ अभी कैसे आ गए, बोला वो बच्चन साहब गुस्से में थे ना, इसीलिए आ गए हम लोग। हाँ, यही बात है। आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट तो वही था ना,
पोजिशनिंग क्या दे रहे हैं वो तो वही थी, प्राइसिंग क्या फ्री का था लेकिन फिर भी नहीं बिक रहा था, फ्री की चीज भी लोग यूज नहीं कर रहे। ध्यान दीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर को घुस के देखना पड़ेगा आपको। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। कैडबरी की केस स्टडी से शुरू करते हैं, 9 केस स्टडी दूंगा दोनों वीडियो में मिला के, सारी केस स्टडी देखिए। अगर आप सीरियस हैं तो इन वीडियोज को पूरा देखिए, घुमा घुमा के बार बार देखिए, आपको कई आइडियाज मिल जाएंगे। पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके वीडियो देखने में लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैडबरीज जब शुरू में 1988 में आया था ना, मतलब आया तो नहीं था, चल रहा था काफी दिनों से, लेकिन उनकी मार्केट सैचुरेट हो गई थी क्योंकि उनकी मार्केट थी 78% मार्केट उनकी केवल बच्चे थे और वही बच्चों पे वो टारगेट करते थे। अब जो बच्चे थे वो बड़े हो जाते थे तो नए सेट ऑफ बच्चे आते थे, वो बच्चे बड़े हो जाते थे तो फिर नए सेट ऑफ बच्चे आते थे, तो उनकी मार्केट ना सैचुरेट हो गई। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो चॉकलेट खाएं तो लोग कहते बच्चा है क्या चॉकलेट खाएगा। सो मार्केट को रिटेन करना और ग्रो करना उनके लिए स्ट्रगल था। तभी अर्ली 90s में 92-93 के आसपास इन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। इनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से 77-78% कंज्यूमर बच्चे थे लेकिन इन्होंने बच्चों को एड से पूरी तरह हटा दिया क्योंकि नए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करना चाहते थे। और वहां इन्होंने क्या किया, एक नया कैंपेन लॉन्च किया, क्या स्वाद है जिंदगी। आपको याद है ना वो लड़की ऐसा 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 करके हाथ घुमा के डांस करते हुए आती थी। इस एड से इन्होंने अपनी नई पोजिशनिंग बिल्ड करी, नए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस किया। यूथ्स इंडल्जेंस चाहते थे, यूथ्स वांटेड टू एक्वायर द लाइसेंस ऑफ इंडल्जेंस। उनको भी इंडल्जेंस चाहिए, उनको भी मजा चाहिए लाइफ में, उनको भी एक्साइटमेंट चाहिए, क्या स्वाद है कुछ स्वाद है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने अपने मार्केट को और एक्सपैंड करने के लिए बाकी कंज्यूमर को समझा कि वहां पे कैसे एंटर करेंगे। देखिए एंटर बाद में करते हैं, पहले कंज्यूमर की मेंटालिटी को समझते हैं। पोजिशनिंग बाद में आती है, कैसे बेचूंगा ये बाद में आता है। इन्होंने शुभारंभ कैंपेन लॉन्च किए, इन्होंने फैमिली कैंपेन लॉन्च किए, इन्होंने कुछ मीठा हो जाए कैंपेन लॉन्च किए। तो बच्चों से यूथ पे गए, यूथ से फैमिली में गए, पूरे देश के अंदर छा गए। सन 2000 के बाद इन्होंने मिठाई से चॉकलेट को ही रिप्लेस करने का प्लान कर दिया। उधर मिठाइयों के अंदर वो मावा में कुछ कुछ अडल्ट्रेशन आया तो इन्होंने चॉकलेट को कुछ मीठा हो जाए कैंपेन। अब तो कोई मिठाई दिवाली पे खरीदेगा नहीं, लो भाई चॉकलेट बांट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझो। जिलेट हमारे देश में आया, शुरू में लगातार फेल होता रहा। जिलेट हमारे देश के अंदर आया, उसने MIT के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स पे कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस भी किया। MIT मतलब US के अंदर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। US में इंडियन स्टूडेंट्स पे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया अच्छे से और वो अपना शेविंग रेजर लेके आए, जिलेट वेक्टर। अब वो जो जिलेट इनका अमेरिका में चलता था ना, बहुत शानदार छा गया। और मेंटालिटी क्या थी, अमेरिकन माल इंडिया में ले आओ, इंडियन रेट के हिसाब से छा जाएगा, इंडियन अमेरिकन को लेके फ्लैट हो जाए। तो इन्होंने प्लास्टिक पुशबार का जिलेट का रेजर इंडिया में ले आए कि उसमें अगर उसके पुशबार को नीचे प्लास्टिक के हैंडल से पुश करो और सीधा जो बाल शेव किए वो निकल जाएंगे बाहर। और इंडियन कंज्यूमर्स पे उन्होंने वहां पे रिसर्च भी कर लिया तो कंज्यूमर बिहेवियर तो बहुत बढ़िया मिल गया और फट से इन्होंने लॉन्च किया। ठाक मुंह की खानी पड़ी, नीचे गिरे बड़े जोर से। ध्यान दीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर को रिसर्च स्टडी तो किया लेकिन कहाँ पे किया, अमेरिका में किया। अरे भाई इंडियन स्टूडेंट को किया कोई बात नहीं, इंडिया में आके करना चाहिए था। क्या करना चाहिए, इंडिया, जब ये इंडिया में आया इनका CEO PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल जिलेट, इनकी बुद्धि चकरा गई, बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे शेव करता है भैया, हम यहाँ पे रनिंग वाटर में करते हैं, ये मग्गे में करता है, पानी के मग के अंदर पानी डाल के वहां डुबो डुबो के साफ करके करता है, पानी का कमी है, ऐसा रनिंग वाटर तो है ही नहीं यहाँ पे। और ऊपर से वो क्या देखता है, यहाँ शेव भी रोज नहीं करते, शेव भी इंडिया में लोग पैसे बचाने के लिए 2-3 दिन बाद गाँव गाँव तक गए, 3 दिन बाद जाके शेव करेंगे। और उतना ही नहीं, उसके बाद इंडियन बाल भी थोड़े मोटे हैं, बेचारे अमेरिकन के बाल भी पतले थे। अब ये अच्छा, उसके बाद जब ये धोए उसके अंदर मग में डुबो करके तो वो साफ ही ना हो रेजर, तो ये इनकी बुद्धि चकरा गई, बोला ये क्या हो गया। अरे कंज्यूमर बिहेवियर को घुस के प्रोडक्ट बेचने में लगे थे ना पहले, कम ऑन क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बेच रहे थे। फिर बता रहा हूँ, याद करिए, प्राइस बाद में डिसाइड करो, प्रोडक्ट बाद में डिसाइड करो, पोजिशनिंग बाद में डिसाइड करो, प्रॉफिट बाद में, पहले क्या करो कंज्यूमर बिहेवियर। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ की रिसर्च करी, 18 महीने की रिसर्च करी, उसके बाद डिटेल्ड रिसर्च के बाद इन्होंने प्रोडक्ट में बड़े चेंजेस लेके आए। अब जो प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, क्योंकि पहले क्या था वहां पे शीशा है नहीं, हाँ, और लोग जमीन पे बैठ करके मग में डुबो डुबो के शेव करें, तो अब इन्होंने पूरा तरीका चेंज कर दिया। पहले तो प्लास्टिक पुशबार के अंदर बाल फंसे रह जाते थे। अच्छा, US के अंदर क्या था, सॉफ्ट वाटर था, इधर पानी भी हार्ड है,
अब वो सॉफ्ट वाटर में पुश बार में ऐसे डाले तो एकदम सारे बाल बाहर, इसमें बाल अंदर घुसे रह जाते थे। इंडियन लोग परेशान, उन्होंने क्या, अरे छोड़ इसको, वो ब्लेड तोड़ करके उसके अंदर उस्तरे के अंदर घुसा करके आधा आधा ऐसा मार के उसी से साफ करें, पैसे भी बचेंगे या पैसा भी ज़्यादा लगेगा। परेशान हो गए जिलेट वाले। अब चेंज किया उन्होंने, नए प्रोडक्ट लेके आए, वो फ्लेक्सी हैंडल के लेकर के आए जिससे वो किधर भी कैसे भी चलेगा। और ध्यान दीजिए, अब रेजर का उन्होंने क्वालिटी बिल्कुल इंडियन पोजीशनिंग के हिसाब से, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की तैयारी करी, नया प्रोडक्ट बनाया। इसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन। कम ऑन, क्या बोलते हैं? रिवर्स इनोवेशन। ये मत सोचो पहले कि बेचूं मैं, कैसे बेचूं, कैसे बेचूं, कैसे बेचूं, पहले ये सोचो कंज्यूमर बिहेवियर है क्या, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बनाओ, फिर सोचो कैसे बेचूं, किस प्राइस पे बेचूं, किस प्रॉफिट के लिए बेचूं। और उसके बाद इनके जिलेट प्रेस तो जिलेट गार्ड इतने छा गए देश के अंदर कि ये विदेशी कंपनी आज देश में बहुत बड़ा मार्केट शेयर ली बैठी है। देखिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो तो आप भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में छा जाओगे। प्रिंसिपल को पकड़ लो, और प्रिंसिपल को मत पकड़ो तो लल्लू लाल बन के गल्ले पे बैठे रह जाओगे। इसीलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट तो आप करना नहीं चाहते, आप चाहते नहीं कि आप ट्रेनिंग में आए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, आप लर्निंग डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें, आप किताब पढ़ें। आप सोचते होंगे इसमें आपके लिए क्या है करने के लिए। आपके लिए सबसे पहली चीज है अपने कंज्यूमर को, देखिए कैप्चर योर क्लेम। क्या, दोबारा सुनिए, कैप्चर योर क्लेम। आपका क्लेम है मार्केट में, आपका क्लेम पूरा रेडी है मार्केट में, उसको कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे जाके उसको पकड़े, एम्पलीफाई योर मैसेज टू योर एक्चुअल एग्जैक्ट परफेक्ट कस्टमर। हर एक को माल बेचने में लगे हो आप, आपको लगता है जो मर्जी आ जाए हर एक को बेच दूं, हर एक को माल नहीं बेचते। परफेक्ट कस्टमर आइडेंटिफाई करिए, उसके लिए अपना साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और एथनोग्राफिक कुछ मिलती जुलती चीजें मिलेंगी आपको, डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक कुछ मिलती जुलती चीजें मिलेंगी आपको। इनके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि एज, इनकम ब्रैकेट, कितनी तनख्वाह ले रहा है अगला आदमी, जेंडर मेल फीमेल क्या है, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, अभी तक शादी होनी बाकी है, एजुकेशन, लोकेशन, रेस, एथनिसिटी, किस धर्म का है, रिलीजन, क्या काम करता है उसका ऑक्यूपेशन, किस कंपनी में काम करता है, इंडस्ट्री कौन सी है, क्या वैल्यूज रखता है वो व्यक्ति, सोशल क्लास क्या है उसका, पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, बायर है कि बार्गेनर है, माइंडसेट कैसा है, अर्बन है कि रूरल है, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, कल्चर, और किस प्रकार की एस्पिरेशंस रखता है। ऐसे आप सारी चीजों से लेकर पहले परफेक्ट कस्टमर का प्रोफाइल बनाइए, उसके बिहेवियर को स्टडी करिए जाके, उसके साथ उठिए बैठिए। आज तक मारुति सुजुकी जिसने ऑल्टो गाड़ी बना दी, आज तक उस ऑल्टो को ऊपर चलाए रखने के लिए वो कंटिन्यूअसली रिवर्स इनोवेशन पे काम कर रहा है। जितने की गाड़ी उसने 15 साल पहले लॉन्च करी थी आज भी उतने की बेच रहा है, इतना इन्फ्लेशन आने के बावजूद अपनी कॉस्ट को कम रखने के लिए कंज्यूमर के एग्जैक्ट बिहेवियर को पढ़ के पोजिशनिंग कर रहा है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट सेलिंग कार आज मारुति प्राइड देखते, वो बहुत, मारुति इतना खुश है अपने इस ऑल्टो के कारण, जानते हैं क्यों? उन्होंने ऐसी गाड़ी बना दी जिसको कोई बीट ही नहीं कर पाया, इतनी बिकी क्यों? कंज्यूमर बिहेवियर को पहले स्टडी। आज मारुति में आपको जानते हैं ना, मैंने बहुत ट्रेनिंग किया है मारुति में, कई दफ़ा अवार्ड लिए हमने मारुति से। मारुति के जब R&D सेंटर के लोगों से मिलते तो हम देखते हैं कि वो बहुत वेट करते हैं एक एक कैटेगरी पर लॉन्च करने के लिए। S-Cross के लिए उन्होंने अलग तरीके से किया। इनफैक्ट ये जो गाड़ी थी रेनो डस्टर, ये डस्टर जैसी इंटरनेशनल लाई थी वैसे थोड़ी आके लाके सेम लॉन्च कर दिया यहां पे। डस्टर ने यहां आने के बाद इधर के कंज्यूमर बिहेवियर को, अपने प्रोडक्ट की प्रोफाइलिंग करी पहले, पोजीशनिंग की प्रोफाइलिंग कस्टमर के साथ करी, जाके उनके बिहेवियर को एनालाइज किया, कई चेंजेस लाए जिसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन। पहले ये मत देखो टेक्नोलॉजी क्या है, ये मत देखो मैन पावर क्या है, ये मत देखो आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, ये देखो कि मार्केट में कंज्यूमर कैसा बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाने की तैयारी करिए। इसमें मेरी बड़ी एक्सपर्टीज है, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, और जिसके लिए मेरे से कई लोग आकर के बिजनेस कंसल्टिंग लेते हैं, मुझसे 1-to-1 गाइडेंस लेते हैं, मुझसे कोचिंग लेते हैं। उससे पहले मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि सबसे सस्ता प्रोग्राम है ये लीडरशिप फनल। 6 महीने की ट्रेनिंग कहां इतने सस्ते में मिलती है, 6 महीने तक आपकी हैंड होल्डिंग हो रही है, 6 महीने तक हमारे कोचेज इसी नंबर पर फोन करके पूछिए कि कैसे आपको हेल्प करेंगे। आपको 25 असाइनमेंट ऐसे फ्रेमवर्क देंगे जो इंप्लीमेंट कराएंगे, मेरे कोचेज आपके पीछे पढ़ के आपसे इंप्लीमेंट करा के आपको हेल्प करेंगे। आप अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करिए और इसी नंबर पर फोन करके चेक करिए अगला बैच कब हो रहा है। और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लॉन्च करूंगा जिसके अंदर मैं बाकी बहुत सारी केस स्टडी लौट देने वाला हूं। इन वीडियोस को बार बार घुमा घुमा के बार बार देखिए, अपने उन सबसे शेयर करिए जिनकी इन वीडियो से मदद होती हो। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं,
अगर आप स्टूडेंट भी है ना, अगर आप स्टूडेंट भी है तो अपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अंकल्स के साथ, अपनी कम्युनिटी में, अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियोज़ के लिए आपका पैसा तो कुछ लग नहीं रहा लेकिन हेल्प बहुत हो रही है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर या इंडियन जो प्रोड्यूसर या इंडियन मैन्युफैक्चरर आज जो हमारे देश के व्यापार ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए। मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा, अगर आप लाइक देते रहें एक एक वीडियो पर, आपके हर एक लाइक को जाके देखता हूँ, हज़ारों लाखों आप लाइक्स देते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है। नीचे कॉमेंट में बताइए अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं, किस केस स्टडी पर देखना चाहते हैं, और इसका पार्ट टू जरूर देखिएगा। सबसे सब्सक्राइब करा लीजिए अपने आसपास मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, यूट्यूब पे इन पावरफुल केस स्टडीज को देखने के लिए। आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।